पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है कि नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। और उन्होंने जो ये निर्णय लिया है, बहुत सोच विचार करके लिया है। जो मुझे लगता है, मेरे मत के अनुसार, माननीय योगी जी जो ये निर्णय लिए हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं और रामचरितमानस पर कई पंक्तियों पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा किया, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और जो ना समझी है, मुझे लगता है एक प्रकार से उसको दूर करने के लिए। दूसरी बात, अभी तक हिंदू और सनातन सनातन धर्म के ऊपर सदैव कुठाराघात होता रहा है। सभी पंथों को अपने अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन जब सनातनी धर्म की बात आती है तो धर्म के ऊपर ये लोग कुठाराघात करते हैं। और अब नहीं होगा, अब सबके साथ न्याय होगा, इस विचार को लेकर के ये किया गया है। और सब अपनी धर्म की संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति को लेकर के, हमारे धर्म शास्त्रों का सम्मान करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। और ये हमारा जो राष्ट्र है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए सब पंथों को स्वतंत्रता है तो हमारे धर्म को भी स्वतंत्रता है। और सनातन धर्म, उसकी उत्कृष्टता, उसकी पवित्रता, उसकी विस्तृतता, उसकी विराटता सबके समक्ष आए, ये उद्देश्य निश्चित रूप से हो सकता है। और माननीय योगी जी हैं, धर्ममय हैं, इसलिए उनका निर्णय सर्वोपरि है। कुछ दूसरे धर्मों के लोगों ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है दूसरे कि पंथों के लोगों ने दूसरे पंथों के लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब रामचरितमानस का या रामायण पाठ हो सकता है तो उनके भी धर्म ग्रंथों का भी पाठ होना चाहिए। तो उनके ग्रंथों का अभी तक किसी ने रोका? किसी हिंदू ने इसका विरोध किया? नहीं किया। तो फिर इस प्रकार से क्यों कहना? भाई, तुम्हारे साथ तो अभी तक होता रहा, सबका सम्मान होता रहा। अगर अपमान हुआ तो सनातन धर्म का हुआ है, तो उसको अगर अगर सम्मान मिल रहा है तो करो ना, बड़ा मन दिखाइए ना। क्यों इस प्रकार की बात करते हैं कि हमारा भी होना चाहिए? अरे, तुम्हें तो मिल ही रहा है, और भारत में सबको सम्मान मिलता है, इसलिए भारत में अब हिंदुओं को भी सम्मान मिले, उनके धर्म शास्त्रों को सम्मान मिले। हमारे देश में हमारा सम्मान हो, धर्म शास्त्रों का, धर्म का सम्मान हो, ये हमारी संस्कृति है और ये होना ही चाहिए। इसलिए ये हो रहा है तो अब किसी के पेट में और सिर में दर्द नहीं होना चाहिए। एक और मुद्दा है, केंद्र सरकार ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके सेम सेक्स मैरिज का विरोध किया है, और आरएसएस की तरफ से भी कहा गया है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, वृंदा करात है, शशि थरूर है, मनीष तिवारी जैसे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो लगातार कह रहे हैं कि ये अपनी स्वतंत्रता है कि कौन किसके साथ रहना चाहता है, इसमें किसी को इंटरफेयर।